11 सूत्री मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। राजस्थान पैरा टीचर शिक्षक संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार रौत ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से 33 साल पूर्व महात्मा गांधी पाठशाला के अंतर्गत पैरा टीचरों की भर्ती की गई थी। इस पर प्रदेश सरकार अब भी शिक्षकों को न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। पैरा टीचर संघ ने वेतन बढ़ाने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर सुरेश ओला कर ज्ञापन सौंपा। प्राइम न्यूज 24 के लिए डूंगरपुर से संवाददाता ऋतिक मेहता की रिपोर्ट। मांगे सर आपकी? सर ये मांगे एक दिवसीय हमारा धरना है जिला स्तर का, यानी कि मांगे हमारे राजस्थान संयुक्त पैरा टीचर संघ से। ये मांगे 22 साल से हम सेवाएं दे रहे हैं, 22 से 35 वर्ष से पैरा टीचर राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला 1999 में हमें लगाए गए थे। वर्तमान जो सरकार बैठी है गहलोत साहब की, उन गहलोत साहब के द्वारा हमें लगाई, लेकिन हमारा जो 22 साल में मात्र हमें कितना मिल रही है, कितनी सैलरी, वो तो सरकार खुद समझ रही है और जान रही है। 9,045 रुपये में मिल रहे हैं। क्या वर्तमान समय में एक हमें पैरा टीचर के रूप में, शिक्षा सहयोगी रूप में हमें जो पद दिया, एक टीचर शिक्षा विभाग में दिया, तो एक शिक्षक का शारीरिक और मानसिक। आपसे सरकार की क्या मांगे? सरकार से मांग हमारी यही है साहब कि हमें वर्तमान में 22 साल हो गए, तो हमें सीधा नियमितीकरण किया जाए, समान काम समान वेतन। तो सरकार कोर्ट का भी आदेश नहीं मान रही है, 22 साल से जो सेवाएँ हम दे रहे हैं उसको भी नहीं मान रही है, तो फिर हमारा आर्थिक शारीरिक मानसिक शोषण क्यों कर रहे हैं? एक शिक्षक हैं, हमें मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़ रहा है, ये सरकार ने हमें यहाँ बैठाया, क्यों बैठना पड़े हमें? बिल्कुल हमें 22 साल से जो सेवाएं दे रहे हैं, बीच का रास्ता सरकार निकालें, तो हम शिक्षक हैं तो हमें विद्यालय में होना चाहिए। अभी वर्तमान में हमारे साथ में काफ़ी पीड़ा है 22 साल से, तो हमारा भविष्य खराब हुआ, हमारे बच्चों का हो रहा है, तो हम यही चाह रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार जल्दी विधानसभा सत्र में अगर हमारा बीच का रास्ता निकल कर समायोजन नियमितीकरण नहीं किया तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदेश स्तर पे हम बैठेंगे, पूरे राजस्थान स्तर पे भी हम अनिश्चितकालीन धरना हम लगाएंगे। शुभ नाम क्या आपका? मैं जिला अध्यक्ष डूंगरपुर से राजेंद्र कुमार रोहत। और ये वर्तमान में जो विधानसभा सत्र है, वर्तमान सरकार ने हमारे बारे में अगर कोई निर्णय, बीच का रास्ता नहीं निकाला, तो हम बिल्कुल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और विधानसभा कूच करेंगे, ये हमारा निर्णय पूरे राजस्थान स्तर का है।